दुनिया के अंत को लेकर कई बार भविष्यवाणी की गई है। एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि 23 सितंबर को दुनिया का अंत हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 23 सितंबर को निबेरु नाम का एक ग्रह धरती से टकराएगा और दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मान रहे और न ही इस तरह की किसी ग्रह होने की बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्लैनेट एक्स द 2017 अराइवल के लेखक डेविड मीडे का मानना है कि 23 सितंबर को दुनिया के अंत की बात बाइबल में लिखी गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब दुनिया के अंत की बात कही जा रही है। इससे पहले भी कई बार धरती के खत्म होने को लेकर भविष्यवाणी की जा चुकी है। इससे पहले साल 2017 के शुरुआत में दुनिया के अंत को लेकर भविष्यवाणी की गई थी। उस वक्त कहा गया था कि निबेरु नाम का एक ग्रह पृथ्वी से टकराएगा और धरती पर प्रलय आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फरवरी में भविष्यवाणी झूठी होने के बाद 31 मई 2017 को धरती के अंत का दावा किया गया। भविष्यवाणी की गई कि 31 मई को महाप्रलय आएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। इसे लेकर YouTube पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। 2 अक्टूबर 2016 को भी एक बार फिर से भविष्यवाणी की गई थी कि दुनिया का अंत समय आ गया है। कैलिफोर्निया के संत हैरल्ड कैपिंग ने भविष्यवाणी की थी कि अंक शास्त्र की गणना के मुताबिक 2 अक्टूबर की शाम 6 बजे महाप्रलय आएगा और दुनिया की 2% आबादी को खत्म कर देगा। वहीं साल 2012 के दिसंबर में भी दुनिया के अंत को लेकर भविष्यवाणी की गई थी। कहा गया था कि माया सभ्यता का कैलेंडर 2012 में खत्म हो रहा है, इसलिए दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन यह भविष्यवाणी भी गलत। दुनिया के अंत को लेकर कई बार भविष्यवाणी की गई है। एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि 23 सितंबर को दुनिया का अंत हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 23 सितंबर को निबेरु नाम का एक ग्रह धरती से टकराएगा और दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मान रहे और न ही इस तरह की किसी ग्रह होने की बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्लैनेट एक्स द 2017 अराइवल के लेखक डेविड मीडे का मानना है कि 23 सितंबर को दुनिया के अंत की बात बाइबल में लिखी गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब दुनिया के अंत की बात कही जा रही है। इससे पहले भी कई बार धरती के खत्म होने को लेकर भविष्यवाणी की जा चुकी है। इससे पहले साल 2017 के शुरुआत में दुनिया के अंत को लेकर भविष्यवाणी की गई थी। उस वक्त कहा गया था कि निबेरु नाम का एक ग्रह पृथ्वी से टकराएगा और धरती पर प्रलय आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फरवरी में भविष्यवाणी झूठी होने के बाद 31 मई 2017 को धरती के अंत का दावा किया गया। भविष्यवाणी की गई कि 31 मई को महाप्रलय आएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। इसे लेकर YouTube पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। 2 अक्टूबर 2016 को भी एक बार फिर से भविष्यवाणी की गई थी कि दुनिया का अंत समय आ गया है। कैलिफोर्निया के संत हैरल्ड कैपिंग ने भविष्यवाणी की थी कि अंक शास्त्र की गणना के मुताबिक 2 अक्टूबर की शाम 6 बजे महाप्रलय आएगा और दुनिया की 2% आबादी को खत्म कर देगा। वहीं साल 2012 के दिसंबर में भी दुनिया के अंत को लेकर भविष्यवाणी की गई थी। कहा गया था कि माया सभ्यता का कैलेंडर 2012 में खत्म हो रहा है, इसलिए दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन यह भविष्यवाणी भी गलत।